दुनिया में एक लाख चौबीस हज़ार पैग़म्बर आए थे और सबका एक ही पैगाम था अल्लाह की वैदानियत अगर ये बात पे अगर हम गौर करें सोचें ज़रा सा कि सारे पैगंबर आए पैगाम भी एक ही था अल्लाह की वैदानियत यानी कि द वननेस ऑफ गॉड तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ही है अमरी प्रेजेंट है ये तो सबको पता है और जो इसके साथ पैगंबर कुछ ख़ूबियाँ लाए अपनी अपनी ख़ूबी थी जिसको करामत कह लें या नबियों के साथ मंसूब होता है मौज़ा मेरिकल द मेरिकल दैट हैड अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पैगंबर तो आए बाद में उनकी किताबें आईं उनके ऊपर नाजिल हुई या जो भी वो सहीफे लाए अपने साथ बट द अदर थिंग इज के उसके लाने से पहले क्या करते थे उनको ये तो पता था अल्लाह वाहिद है। उनको पता था वननेस ऑफ गॉड ठीक है ना सो वर दे डूइंग इन हिज प्रेज यानी कि अल्लाह है तो प्रेज होगा ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह हो और प्रेज ना करें या गॉड हो तो यू डोंट प्रेज द लॉर्ड ये हो नहीं सकता तो ये भी कुछ ना कुछ करते होंगे बहुत सारे मेरिकल्स और उसके साथ क्या कहते हैं उसे मोजाद कह लें उसको मेरिकल्स और फिर प्रेज सो दे न्यू द हिडन सीक्रेट्स द बुक केम लेटर यानी कि एनी बुक एनी सहीफा एनी स्क्रिप्चर दैट दे ब्रॉड केम लेटर ठीक है ना बट दे न्यू द सीक्रेट्स ऑफ द मिस्टिकल साइड मिस्टिकल साइड होता है कि द अदर साइड जिसको कह कि क्या कहते हैं उसको हिडन नॉलेज नाव वन देड दोज मेरिकल्स दे हैड सर्टन इबादत विद दम यानी कि प्रेजेज प्रेयर कह लो उसको जब वो प्रेयर थी क्या पुकारते थे वो क्या करते थे कौन सी ऐसी क़ुत थी जो उनसे वो मेरिकल्स कराती थी क्योंकि मेरिकल के बगैर तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कोई किसी को नहीं मानेगा करामत के बगैर मेरे के बग़ैर कोई किसी को नहीं मानता ये ह्यूमन नेचर क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए ही आए थे ना अपनी कौम के लिए पैगंबर आता है ठीक है ना और जब एक एक बारीक बारीक चीज़ें उनको पता थी क्योंकि अगर क्या कहते हैं पैगंबर है, है प्रॉफिट है सो ही नोज एवरी तो बारीक बारीक चीज़ों का भी पता था ये भी पता था कि उस वक्त जो हो रहा है पहले क्या हुआ है और आगे क्या होगा वो अपने साथ जो है ना ये खूबियां चलाने के लिए और अपने रब की इबादत करने के लिए अपने रब की इबादत करने के लिए एक एक राज लेकर आए थे और वो था इबादत के फॉर्म में जिसको प्रेयर कहते हैं या प्रेस कह लें उसको कुछ जो है नाम कुछ हरुफ कुछ जो है यानि कि सटन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस कह लें उसको वो लेकर आए अपने अपने साथ वो राज थे उनके और वो राज लाए और राज लेके चले गए क्योंकि जब पैगम्बर आए एक इबादत थी उनके पास अपनी करने की जो कारों में बैठ के करते थे छुप के करते थे अंधेरे में घर में बैठ के करते थे जो यानी कि सहरा में जाके करते थे जो पहाड़ों के आंचल में जाके करते थे वो कोई उनकी अपनी इबादत थी अब वो राज भी था और वो राज जब वो उनके उनका स्क्रिप्चर या सहीफा या होली बुक उनकी आई वो राज चेंज नहीं हुआ वो राज चेंज नहीं हुआ वो राज, राज अलबत्त उस किताब के अंदर एबजॉर्ब हो गया या किताब ने क्योंकि अल्लाह की ज़बान में था द वर्ड ऑफ गॉड सो बेसिकली इट्जॉर्ब एवरी वर्ड इन दिस यूनिवर्स दिस इज़ हाउ द वॉइस ऑफ गॉड इज़ एबजॉर्ब्ज एवरी वॉइस ऑफ दिस यूनिवर्स उसने अपने अंदर सब कुछ कर लिया अगर वो एबज़ॉर्ब नहीं करती तो फिर उसका हुक्म नाफिज नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा याद रखो द बिग फिश इज़ द स्मॉल फिश वह अल्लाह की आवाज़ थी गॉड की आवाज़ थी स्क्रिप्चर था लाइक द कमांडमेंट्स तो वो जो है उसने सब कुछ राइटिंग में अपने अंदर अंदरव कर लिया और वो ताक़यामत रहती है जाती नहीं है जब तक अगला कोई कमांडमेंट ना आ जाए जो एक सिफाती नाम कह लो उसको एट्रीब्यूट भले वो सेवेंटी टू नेम्स पे हो या नाइन्टी नाइन नेम्स पे हो या किसी हरूफ पे बेस्ड हो वो इस जहाँ को हिलाने के लिए काफ़ी है या ये कि आपके अंदर जितना जहाँ है जो भी जहाँ है उसको हिलाने के लिए काफ़ी है ये बात जो है ये मैं अपने ख़ानदान के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ सेवेंटी टू नेम्स आए फिर उसके बाद असमा अल्लाह आए और पता नहीं कि एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर आए कितने नाम हैं जिनका पता ही नहीं है कितनी स्क्रिप्चर्स हैं जो गैब्ड हैं पता ही नहीं है वेर ऑफ दे गोन देर ऑफ सिलीट नाउ सिर्फ जिक्र हो सकता है ऐसे यूट्यूब पे या किसी टीवी चैनल पर बट दे डू नॉट एग्जिस्ट और मे बी एग्जिस्टिंग इन समन सेलर या कि किसी के बुक शेल्फ में बट गॉड आई डोंट नो अबाउट इट जो ये छुपे हुए नाम थे बहत्तर नाम का तो सबका पता है सेवन टू नेम्स ऑफ गॉड इट्स थ्रू द दौरा ठीक है ना और फिर जो है नाइनटी नाइन नेम्स होली कुरान में से अल्लाह के सिफाती नाम पता है इसके अलावा भी कुछ नाम है इसके अलावा भी कुछ नाम है जो अलग अलग दुआओं में लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका पता नहीं है किसी को मुझे भी नहीं पता एक मैं बात क्लियर कर दूँ इवन आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दम कुछ का पता चल जाता है जब पढ़ो तो फिर वो राज खुलता है यानी कि क्या कहते हैं भाव होता है तो बताते हैं कि ये जो है ये ये है कुछ का पता नहीं चलता कुछ कुछ भी पता नहीं चलता वो अपनी जगह यानी कि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है ई क्यू कह लो ई क्यू इक्वलाइजर को ई क्यू कहते हैं कोई ई क्यू है नाम तो वो ई क्यू बोला तो वो गुजर गया बीच में पता ही नहीं चला और दुआएं उसी से कबूल होने लग गई अब ये पता नहीं था कि वो ई क्यू जो है बेसिकली वो नाम था या हरूफ था उस वक्त ये पता नहीं चलता राज जब तक खुलता नहीं है जब तक खोलने वाला खोलने ना मांगे क्योंकि उसके राज हैं आपके ऊपर खुलेगा वो वैसे नहीं खुलता बहुत सारी दुआएं हैं जैसे भराती है उसके अंदर कुछ हिडन नाम है बहुत सारे ऐसे जो है क्या कहते हैं उसे दुआएं हैं जो आइमा से रिलेटेड हैं जिसके अंदर नाम हैं जिनका पता नहीं होता अरबिक में हैं मगर वो जो है क्या कहते हैं वो पुराने नामों में से एक है और ये सारी चीज़ें भले वो भराती में से हो कोई नाम भले वो बहत्तर नाम में से हो या बहत्तर नाम में से एक हरूफ हो बहत्तर नाम में से एक हरूफ हो एंट हिब्रू एंड इज़ भले वो हमारे कुरान में से असम अल्लाह में से एक नाम हो यह आपके अंदर सारे राज खोलती है कोई राज ऐसा नहीं है जो इन नामों से छुपा हुआ हो और जब इस नाम को पुकारा जाए भले किसी फॉर्म में सारे राज खोलती है अब गोइंग बैक टू वेर आई स्टार्टड एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर आए सब ने अल्लाह की वैदानियत का बयान किया यही पे मैसेज था दीज द मैसेंजर्स बेसिकली एंड द मैसेज वाज द सेम कि गॉड इज़ वन अल्लाह इज़ वन द होली लॉर्ड इज़ वन भले वो इंग्लिश के हो क्रिश्चियनिटी के हो यहूदी के हों या कोई भी हो मैसेज एक ही था मिस इंटरप्रेट बाद में अगर हो गए तो हो गए वरना मिस इंटरप्रेट नहीं हुए जो सॉलिड रह गए वो चल पड़े एक निज़ाम में जब तक दो नेक्स्ट होली बुक गए उन्होंने जो कुछ भी शुरू किया उन्होंने जो कुछ भी शुरू किया अपने रब के नाम से किया अपने रब के नाम से किया ऑफ़ कि गॉड, अल्लाह एक है वननेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह इससे यह पता चलता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है आज का प्रोग्राम सात सौ छियासी रहीम के है के बारे में है कि इसके बारे में जितनी भी डिटेल्ड सात पढ़ने की फॉर्मेशंस हैं वो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी हमारे वालद साहब के हमारे दादा के इल्म के मुताबिक से और शहजाद भाई को मैं इन करता हूँ आज़ब्ल रजिम बिस्मिल तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से असलकुम

चुप करके जोर से कि कुछ ज्यादा चक्कर में ना पड़ो सही तो ये है मामला बाकी यह है कि रहीम पे प्रोग्राम जो है वो पहले भी आप अगर एट्रीब्यूट्स देखें तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स हुए हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिर्फ बिस्मिल्लाह के ऊपर बात की गई उसमें ज्यादातर जो हमने कवर किया स्पेस एंड टाइम को कवर किया था लर्ज को टेलीपोर्टेशन को हमने कवर किया था लास्ट प्रोग्राम्स में और उसके अलावा जो है क्रिएशन पे बात हुई थी बिल्कुल स्टार्ट जिसे बिग बैंग भी लोग कहते हैं या उससे पहले या उसके बाद उस टाइम पे क्या था उसकी मैकेनिक्स कैसे क्रिएशन मतलब कि क्रिएट हुई चीजें उन चीजों पे बात हुई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिसमिल्ल रहीम और उसके बाद फिर उसी चीज को हम आगे लेके चले थे पढ़ाई पे हमारी अभी तक बात नहीं हुई थी कि पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं उसके अलावा ये बात हुई थी कि स्पिरिचुअलिज्म में या मिस्टिकल इस्लामिक मिस्टिकल सिस्टम में अगर कोई चलता है या स्टार्ट करता है तो बिल्कुल शुरू से जो है वो बिसमिल्लर रहीम से ही शुरू की जाती है और साहब के वर्ड्स थे एंड भी बिसमिल्ल रहीम पे होता है कि मतलब कि वो चलती रहती है बिस्मिल्लान रहीम रुकती नहीं है जब तक आपका मिस्टिकल जर्नी कह लें सफर कह लें या जब तक आप इस बात पे हो रहीम साथ साथ चलती ही रहती है उसके अलावा बाकी और भी चीजें जो है बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई थी अगर आप वो दोबारा सुनना चाहें देखना चाहें तो हमारी प्ले है एट्रीब्यूट्स की उसमें पिछले तीनों प्रोग्राम बिस्मिल्लर रहीम के बारे में ही हैं तो वो आप देख सकते हैं आज जो बात होगी बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ने के तरीके इसमें बहुत सी तादाद हैं डिफरेंट तादाद डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ी जाती हैं। उन सब का अगले प्रोग्राम्स में जो है वो तस्करा होगा उस पर बात होगी बयान होगा आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ सात सौ छियासी सेवन एटी सिक्स जो बिस्मिल्लाह का अपना अदद भी है और सेवन एटी सिक्स तादाद भी है इसको पढ़ने की इसी पर बात की जाएगी और इसी से जो है वो फिर आगे प्रोग्राम को लेके चलेंगे तो शाह सबसे पहले तो सेवन एटी सिक्स अदद के हवाले से थोड़ा सा ब्रेक डाउन बिस्मिल रहीम के हरूफ अबदे से सात सौ छियासी बनते हैं 786। और ये अनचैलेंजेबल है किसी से भी पूछ लो दिस इज अ जनरल रूल और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि सात सौ छियासी के अपने तीन बनते हैं अल्लाह की अपने आदत छियासठ वो तीन बनते हैं हर चीज जो पैदा खल के काम में क्योंकि पैदा हुई है तो खत्म खुद ब खुद होना है उसने या कोई करेगा वो सारी चीजें तीन में आती हैं पैदा हुई या पैदा हुई यानी कि खल हुई अब कोई चीज़ आपको पता है इन्फिनिट नहीं होती सिवाय अल्लाह के ज़ात के अगर पैदा हुई है तो वो तीन नंबर के उससे होती है और फिर वो खत्म जो है वो खुद बखुद होती है कि उसका एक टाइम होता है हर चीज़ का बेस आप कह रहे हैं कि तीन का आदत क्रिएट करने के काम में ही इस्तेमाल होता, होता है तीन का आदत क्रिएट करने के ही काम में इस्तेमाल होता है प्रोसेस में नहीं इट्स क्रिएट करने को यह चीज है डाइवर्सिटी होती है इन क्रिएशन यानी कि मास्टर ऑफ द मिस्टिकल आर्ट क्रिएशन जो है वो समझ लो कि वो क्रिएट जो है तीन नंबर से होता है तीन नंबर कहता से अब ये नाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे हाई एंड हाई एंड बात हो रही है अबाउट द ज़ात अल्लाह के नाम की तीन छियासठ और सात सौ छियासी तीन उसकी बात हो रही है जी यह चीज है सही पढ़ने के हवाले से सात सौ छियासी ही जो है वो मिनिमम पढ़ी जाती है देखो सात सौ सात सौ छियासी के बारे में अभी चार बज रहे हैं तो एक और बात बताता हूं। 786 लिखो पेंसिल से और उसके बाद सेवन को जो है उसमें से बीच वाले को आ, क्या कहते हैं कुल अदद कर दो तो वो नाइन बन जाता है और पीछे क्या रह जाता है छ पीछे छह रह जाता है अब इसको लिख के देखो कैसा दिखता है लिखने में यानी कि लिखने में कैसा दिखता है दिखता है लिखने में या लिखने में कैसा दिखता है ये सिंबलिक नॉलेज में जो है ना ये चीजें इस्तेमाल होती हैं दिस इज हाउ यू बेसिकली अराउंड बेसिकलीउंड अगले को आगे ले आए तो छे तो इसका मतलब छ नौ छ बन गया है एक को सिर्फ वहां रखने से जी तो ये खुद एक फिनमिना है ये बात जे. कभी भी कोई नहीं करता क्योंकि ये ये राज वाली चीजें हैं इससे यह कि वो ये वो वाला राज नहीं है कि राज पता चल गया है ये यहां पता नहीं चलता राज मगर ये राज वाली चीजें राज वो होता है जो पता ना चले मगर समझ जाए और हो भी तो ये चीज़ है तो ये सात सौ छियासी खुद एक फिनमिना है अगर देखा जाए तो एक फिनोमिनल थिंग ठीक है ना अकॉर्डिंग टू आदत और मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी पता नहीं किसी ने भेजी थी ईद से पहले या कुछ इस तरह तो मैंने बोला मैंने भाई का क्या भेज दिया वो कह रहे हैं कि ये कोई ए, ये ये यानी कि वो है गलत है अगर ये गलत है तो अब जद कायदा भी गलत है यानी कि इस्लामिक न्यूमरोलॉजी भी गलत है अरबिक कायदा गलत है अब जद हवज होती कलेमन अट्ठाईस रूफ़ गलत है यानी कि गो ऑन टिल दी राइट इज इज रॉन्ग जी ये चीज़ है अगर बोलना है तो न्यूमरोलॉजी ए बी सी डी के कायदे को बोल दो एस्ट्रलोज hmm. को बुरा नहीं कहते अबजत के कायदे को कहते हैं क्यों एस्ट्रोलॉजी आसान है जी अबजत का कायदा मुश्किल है एक तो अट्ठाईस रूरूफ याद करो आदत के हवाले से तो ये बहुत सारे लोग यानी कि ज्यादती है बहुत <laughs> और इस इल्म की बुनियाद ही इस चीज का इस्तेमाल नहीं इसका इस्तेमाल है इस इल्म का इस्तेमाल यहां से नहीं यहां से किया जाता है कल भी चीज है थ्रू द हार्ट फ्राम द हार्ट सही अच्छा सात सौ छियासी पे अगर आ, बात करें मैं सवाल बीच में एक रह गया था कि आ, जब पढ़ने को आ, दिया जाता है या कोई पढ़ता है बिस्मिल्लर मिनिमम जो देखा गया है सात सौ छियासी ही दी जाती है या ये इसकी मिनिमम तादाद है यहाँ से स्टार्ट होती है या सात सौ छियासी तादाद के हवाले से अदद नहीं पढ़ने की तादाद पढ़ने की तादाद हमेशा जो है वो बेसिकली वो दी जाती है जो उसके अपने मिनिमम तादाद होती है पढ़ने की तादाद वही दी जाती है जो उसकी अपनी मिनिमम तादाद है अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाबो है इसकी चौदह अदद है अगर आप चाहें चौदह भी दे सकते हैं चौदह सौ भी दे सकते हैं चौदह हजार भी दे सकते हैं एक मिसाल के तौर पे, वो दो दो है इसकी बीस है बीस दे सकते हैं दो सौ दे सकते हैं दो हजार दे सकते हैं बीस हजार भी दे सकते हैं सही क्योंकि उसकी मिनिमम तादाद है द सेम गोज़ विद बिस्मिल्ल रहीम मगर ये क्योंकि ये हजार के अंदर है और ये जो है बेसिकली इट्स लाइक यू कैन नॉट ऐड ए ज़ीरो द एंड तो ये सात सौ ही दी जाती है ये नहीं कर सकते कि सात हजार आठ सौ साठ नहीं दे सकते ना ये कि सत्रह हजार आठ सौ साठ दे सकते हैं ये बेर मिनिमम यानी कि सात सौ ही दी जाएगी इसकी मिनिमम तादाद बहुत सारे लोग इसको 300 पे जब तीन पे डिवाइड करें 300 भी देते हैं मगर मैं 300 मैंने ये तो नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि चलता है या नहीं चलता लेकिन हमारे नॉलेज में और हमारे प्रैक्टिस में इज नॉट इट डजेंट वर्क मैंने ट्राई की है और हमारे अब्बा तो खैर सवा लाख से कम की बात ही नहीं करते थे कह रहे हैं जब इबादत करनी है तो सोच के क्या करनी रात बैठ सुबह उठ जाओ वो अली हदर या साई जी वाला स्टाइल कि इबादत में क्या सोचना है कि कितनी पढ़नी है बिल्कुल सात सौ छियासी तादाद इसकी जो है वो मिनिमम आपने कहा मिनिमम है मिनिमम कम पढ़ी नहीं जा सकती सही तरीके पे तो बाद में बात करेंगे कि किस किस फॉर्मेशन में सात सौ छियासी पढ़ी जाती है लेकिन मैं सबसे पहली चीज ये पूछूंगा आ, सिर्फ इबादत के लिए अगर पढ़ना हो मतलब कि अल्लाह को राजी करने के लिए कोई दुनियावी काम के लिए नहीं तो तब भी सात सौ छियासी सही देखिए मसला यह है कि कोट है इफ यू स्पीक टू अल्लाह रीड इफ यू टू स्पीक टू अल्लाह रीड अल्लाह ताला ने खुद कुरान में यानी कि ये शुरू पहली आयत है अलम शुरू होने से पहले सूरह अखलाश शुरू होने से पहले सूरह जिन मुजम्मिल आल इमरान रहमान जितनी सूरतें सूरह बकरा सबसे पहले एक ही बात की वो क्या की शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से यानी कि खुद को ही जैसे मुखातिब करके कहा गया हो कि ये शुरू करता हूँ ये चीज़ है अब अगर ये कहा जाए कि जी इबादत के जाविये में कैसी पढ़ी जाए जो खुद को मुखातब करके इस तरह पढ़ा जा रहा है जो खुद को मुखातब करके इस तरह पढ़ा जा रहा है और आपसे पढ़वाने को कह रहा है बेसिकली कुरान जो है वो हमारे लिए है ना कि हम पढ़ें उसको अब मसला ये है कि जो चीज़ खुद बयान कर रही है अल्लाह ताला की ज़ात को कि शुरू करता हूँ जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था इन्फिनिट जाता है ये ये इन्फिनिटी की तरफ घुमाता है आदमी को अनटिल इट डजन स्टॉप फ्राम दाई जबब द थिंग इज़ दैट के इबादत के तौर पे अगर ये पढ़नी हो तो सौदानी की तस्बी जिसके ऊपर दो मेंबर होते हैं या मेराब होते हैं वो वो पढ़ी जाए नमाज के बाद किसी भी नमाज के बाद इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है देखें बिस्मिल्ल रहीम के बारे में मैं एक बात बता दूं दुनिया जहां की चीजें हैं पढ़ने को जी ये एक वाहिद आयत है जिसके अंदर रजत होती ही नहीं है सही और अगर हो जाए तो ख़त्म कभी भी नहीं होती कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन ना होने के चांसेस जो है समझ लो कि इन्फिनिट है इसमें रजत नहीं होती मैंने आज तक अपने अब्बा के ज़माने में से लेकर अब तक ठीक है ना और मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं देखी हैं सुनी हैं अब्बा ने बताई हैं ताया अब्बा से सब चीजें मैंने देखी लेकिन बिस्मिल्लाह के बारे में ये नहीं मैंने अब्बा को कभी कहते सुना कि गलती हो गई है इसकी पढ़ाई में गलती बिस्मिल्लाह में नहीं होती इनफिनिट है ना ये जी लूप है लूप है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम जी. से जो बड़ा मेहरबान खुद एक चीज कह रही है कि आई एम ब्लेसिंग एंड मर्सीफुल गलती कैसे होगी उसके अंदर जी गलती की गुंजाइश तारिक अजीज वाला तारिक अजीज साहब मरूम है मेरे ख्याल से अब तारिक अजीज साहब वाली बात गलती की गुंजाइश है इसके अंदर गलती होती ही नहीं है सही यानी कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सही अच्छा आप सौदाने की तस्वीर की, की बात कर रहे थे कि सौदाने की तस्बीह है इबादत के तौर पे एक सौदाने की तस्बीह हो दैट्स अबाउट इट कीप इट शॉर्ट सिंपल एंड इफेक्टिव मोर यू टेक इ मोर यू है चांसेज एंड एलिमेंट ऑफ डूंगत वो कबूल होती है जिसके अंदर गलती ना हो सही इबादत जो है बेसिकली इस प्रेजिंग उसकी शान उसकी पाक शान को बयान करना है अब अगर उस बयान करने में आप गलती कर रहे हो तो फिर तो वो गलती कर रहे हो फिर क्या होता है तो फिर वो उसकी सजा आती है। सजा आती है। इबादत करने से रोक दिया जाता है आपको। फिर आप कर नहीं पाते चाहते हुए भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है नमाज पढ़ रहे गलती लेकिन आजकल का दौर अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे बैठे तो बात करते हैं जो नमाज को नजर लग गई है तो भाई नमाज को कैसे नज़र लगेगी यार जी ठीक है ना हाँ कोई गलती कर रहे हो उसमें रुकावट क्योंकि नमाज के अपने मलायका फरिश्ते हैं कभी इस पे भी बात होगी कभी इस सब्जेक्ट पे नमाज नमाज के अपने मलायका और फरिश्ते हैं और अजीब बात मैं बता दूं कि चीज़ ये है कि ये सलाह जो है ना जी नमाज जो है जब आप पढ़ते हो तो इसके मलायका और फरिश्ते जब आप शुरू में अज़ान वग़ैरह करते हो सब कुछ करते हो साथ आपके खड़े होकर सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं नमाज के अपने मलायक का मौकलात है हर आदमी के साथ जो चल रहे होते हैं जब भी आप देख लो बहुत सारे नमाजी होते हैं उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म का नूर होता है जी भले वो वज़ायफ करने वाले नहीं है बट जे। बेसिक नमाजी होता है वो इज जस्ट अ बेसिक नमाजी और कुछ भी नहीं करता ना एथे करीमा पढ़ता है ना इतल कुर्सी पढ़ता है ना बिस्मिल्लाह ना लतीफो मगर वो एक चेहरे पे नूर होता है वो नमाज की वजह से खैर नमाज की बात कहाँ से ले आए चार बज रहे हैं भाई थोड़ा सा इधर उधर दबा जी के रख यानी ऑडियो को कंप्रेशन कम, हाँ। कंप्रेशन में रखो ऐसे रखा लेकिन कर लिखता जा रहा हूँ क्योंकि ये ये छोटी छोटी टच करते जा रहे हैं ना तो ये फिर नेक्स्ट प्रोग्राम्स के लिए एक मेरे पास रेफरेंस इकट्ठे हो रहे हैं कि इन इन पे भी बात करेंगे लेकिन वापस जो है वो इबादत की बात हो रही थी बिस्मिल्लाह की और जो बीच में मैं समराइज ये कर दूं कि लंबी लंबी इबादत जैसे शाह साहब ने कहा लंबी लंबी इबादत से बेहतर है कि इबादत वो की जाए जिसमें गलती की गुंजाइश जो है वो आपकी तरफ से ये हो कि गलती ना हो सॉलिड कंसाइज टू द पॉइंट और दिल से की जाए दिल से जो बात निकलती है असर रखती है क्योंकि दिल से आप मुश्किल से आधा पौना घंटा ही कर सकोगे सही बात है हाँ तो सोच है ना भटकती है भाई फिर कटरीना कैफ को कौन रोकेगा ये चीज़ है ना ये सोचे है ना अब उसको गलत सही बोलो तो वो बात की बात है बट इट इज देर इट इज फैक्ट ये चीज़ है बट मेन थिंग क्या कहते हैं उसको बस वो थोड़ी सी करो और अफेक्टिव हो और उस पर यकीन हो आपका कि ये कबूल होगी ही होगी और मैं ये नहीं मानता कि आपको यकीन हो कि क्या कहते हैं कबूल होगी और ना हो मैं इस बात का मेरे को ये पता जिस तरह अल्लाह के वजूद का होने का यकीन होता है ना आदमी को जो वो है उसी तरह इबादत अगर आपने की है थोड़ी सी और आपको पक्का यकीन हो कि ये कबूल होगी ही हो होगी तो डेफिनेटली होगी फिर वो आप खुद अपने जजमेंटल हो क्यों कयामत के दिन आपकी उंगलियां बोलेंगी हाथ बोलेंगे कान बोलेंगे आंख बोलेगी नाक बोलेगी क्यों बोलेंगे क्यों गवाही देंगे ना जी गवाही देंगे ना तो ये चीज है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है अब सबको पता होता है कि कबूल हो रही है नहीं हो रही कहाँ क्या कर रहा हूँ जल्दी से पढ़ रहा हूँ नमाज पढ़ने के बाद कोई कुछ भी पढ़ रहे हो आयते करीमा ही पढ़ रहे इबादत के तौर पर तो ड्रामे का दस मिनट रह गए तस्वीर तो खींच लूंगा तो आपका क्या ख्याल है ड्रामा कबूल होगा या इबादत कबूल होगी हाँ ये ये चीजें ये फर्क है ये फर्क है सही ब्रेक निकाल थर्टी मिनट हो गए ब्रेक कर लेते हैं पाँच दस मिनट तीन मिनट ब्रेक ठीक है ब्रेक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है तीन मिनट की ब्रेक और उसके बाद अभी तो बात हुई है सिर्फ इबादत के तौर पे वापस ब्रेक से जब आएंगे तो तब हम बात करेंगे सात सौ छियासी की तादाद जो है बिस्मिल्लाम रहीम वो किस किस तरह से पढ़ी जाती है किस किस तरह से पढ़ी जा सकती है रूहानी हवाले से भी बात करेंगे और दुनियावी अगर कोई हाजिर हो कोई मसला हो कोई काम आ जाए फॉर्मेशन क्या क्या है तो साथ रहिएगा हमारे हम वापिस आते हैं तकरीबन तीन मिनट की ब्रेक के बाद हमारी हो गई है वापसी और बात हो रही थी बिस्मिल्लाम रहीम के पढ़ने के तरीकों पे जिसपे अभी बात करेंगे और शाह साहब एक चीज आपने शुरू में कही थी जो ओपनिंग में कि एक इसम ही जो है वो काफी होता है दुनिया को जहां जहां बोला था जहां को हिलाने के लिए वो आपका जहां हो या कोई भी जहां हो जो जो आप जानते हो जहां तक वहां तक जहा होगा आपका ये, ये है ना। हाँ, जो जहाँ तक जानता है उसका वहां तक जहां है ठीक है ना हाँ सही बोलो 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 इस आ, मतलब के आ, आपने भी जिस तरह से बड़े शाह ने जो है जैस, जो हमने लिखा है जो डॉक्यूमेंटेड है तो उसमें भी की बड़े शाही को जो है आवाज आई थी और फिर उन्होंने जो है वो आपको इसम बताया था इसम बताया था हाँ उनको आवाज़ आई थी 1992 में जब आए थे कि रज़ाली को ये पढ़वा इसम तो मैं नहीं बता सकता ठीक है ना ये पढ़वा तो शुरू में तो खुली तादाद थी बहुत ही यंग जमाना था 92 में यानी कि इंटर -विंटर कर रहा था या कुछ तो वो जो है क्या कहते हैं उसको आ, पढ़ता रहा फिर 96 में जब अब्बा आए थे कराची तो उन्होंने जो है उन्नीस सवाल करवाए थे अपने बराबर में बैठा के रात को एक बजे बैठता था चार बज जाते थे पढ़ते पढ़ते साढ़े चार घंटे लगते थे शुरू में बाद में स्पीड तेज हो गई थी वैसे भी चार नंबर का गूं तो यंग जमाना था तो टुल्ला होगा में पस हो जाती है <laughs> ठीक है ना अभी सोच रहा हो तो याद आ रहा है वाकई टायर्ड हो जाता है आदमी और वो भी अब्बा के साथ बैठ के पढ़ना तो इट लाइक आपको बत, आपको अंदाजा ही नहीं है इस चीज का तो उन्नीस पढ़वाए थे उन्होंने और फिर कहने लगे कि ठीक है ये पढ़ते रहो अब इससे कुछ नहीं होता यानी कि इससे कुछ नहीं होता उनका मतलब ये था कि क्योंकि ये ये ये, ये इसमें हम हमारे दादा पढ़ते थे ये इसम हम हमारे दादा पढ़ते थे और वो पागल हो गए थे जैसे कि आपको पता है सबको पता है जो जो लोग जानते हैं मुझे उनको डर ये था कि ये ना हो कि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ मगर क्योंकि हुक्म था उनके लिए कि मुझे आवाज आई थी मुझे आवाज आई कि रजाली को ये, ये। इसम पढ़वा तो इस वजह से उन्होंने उनको उन्हों वो बेसिकली वॉज अ मैन ऑफ गॉड उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा उन्होंने पढ़वा दिया लाजमी चीज़ है वाले साहब थे तो बराबर में बिठा के पढ़वाया सवा लाख क्योंकि सवा लाख के बगैर बात नहीं बनती सवा लाख के बगैर इसम खोलने के लिए वैसे पढ़ने के लिए तो दुनियावी आजाद के लिए ए, क्या कहते हैं एक अलग स्टोरी है मगर हम दुनियावी हाजात के लिए नहीं पढ़ते और ना इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ हासिल हो या कुछ हो पहले ही जो है वो ही नहीं संभाला जा रहा तो मजीद क्या हासिल करेंगे और करके करेंगे क्या सही सही बात है ना तो ये ये मामला है तो फिर वो पढ़वाया है उन्होंने वो आज दिन तक पढ़ता आ रहा हूँ यानी कि ट्वेंटी एट थर्टी ईयर्स जब पढ़ता हूं वही अफेक्ट है जो पहले दूसरे तीसरे वजीफे में था वही इफेक्ट आज दिन तक है ये अब ये एक अजीब चीज है अगर आप कह रहे हो कि आज दिन तक क्योंकि अक्सर तो वजायफ कोई भी करे एक दिन दो दिन मैक्सिमम चार दिन बाद जो है वो कूल डाउन होने लग जाता है मतलब कि वो ठंडक जो है अफेक्ट आप यूस्टो बॉडी जो है आपको बेसिकली आपका जो बैलेंसिंग सिस्टम है कान का वो उस, उस निजाम के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है यानी कि अंडरस्टैंड होता है उसको तो फिर वो जमीन नहीं हिलती आदमी की जमीन जगह नहीं छोड़ती और पता भी नहीं चलता आपको सही लेकिन वो चीज ये है कि कुछ लोगों के ऊपर और कुछ रियाजतें ऐसी होती है जो आम रियाजतों से हटके हैं वो रियाजतें ऐसी होती हैं कि वो आज पढ़ो और आज ही आपको नया अफेक्ट महसूस होगा उसका वो कभी भी वो अपसलीट नहीं होते उसके अफेक्ट ना आपके बॉडी को यूज होने देता है वो ना आपके बॉडी को यूज टू होने देता है अच्छा ये आप उसी इसम की बात कर रहे हैं कि जो बड़े शाजी आपके ताया अब्बा को कह रहे थे कि वो एक अलग वाक्य है पूरा ये चीज ताया ताया अबा तो यानी कि मेरे अब्बा भी एग्री नहीं थे ताया अबा भी वो तो बिल्कुल ही यानी कि इस चीज को अंदर वो नहीं थे लेकिन द थिंग इज दैट दूर रहो ऐसे चक्कर में सीधी से, बात है दूर रहो अपना बेसिक इबादत करो कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो इट गोजा चक्करों में ना पढ़ो क्योंकि अब रो पढ़ोगे अब रो पढ़ोगे अब बोलोगे मेरे से नहीं होता और वो एक ऐसी जगह है वो एक ऐसा दरबार है जहां ना सुनी नहीं जाती Hmm. वहा ना, का कोई, सवाल नहीं है। ना का कोई सवाल नहीं है आप रोते रहो झुंझुलाते रहो एड़िया रगड़ दो के बल चलना शुरू कर दो सर के बल चलना ना नहीं है यू के नॉट से नो आपकी आपकी सकत ही नहीं है अथॉरिटी भी Say. नहीं है सकत भी अथॉरिटी तो है ही नहीं और सकत नहीं है आपकी आप कुर्बानी नहीं दे सकते जब वो मांगेंगे आपके बस Say. का काम नहीं है ये ये अच्छा ये, ये की तो बात चल गई थी लेकिन बैक टू बिसमान रहीम अच्छा जी आपने शुरू में जो है एक बात कही थी कि एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर आए उनके पास जब किताबें आई आसमानी जो भी अपने अपने टाइम के कुछ के पास आई कुछ के पास सहीफे आए चार आसमानी किताबें हमें पता है लेकिन उससे पहले भी वो जहरी बात है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो लाए होंगे हाँ। कुछ ना कुछ, कुछ किए करते थे बिस्मिल्ला का इस हवाले से आप कैसे जो है वो कहेंगे क्योंकि बिसमिल्ला एक वाहिद वाहिदायत ऐसी है कि कुरान के अंदर भी अब मैं शराय तौर से टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बस इतना एक कहूंगा कि बिसमिल्ला के बारे में वाकया भी है पूरा कि बिसमिल्ला पहले से मौजूद थी हाँ पहले से मौजूद है तो अगर बिस्मिल्लाह की बात की जाए मतलब कब से या क्या इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मिस्टिकल उसमें बिस्मिल्लाह को कैसे मतलब के बयान किया जाता है जो मैंने क्युंक... जो मैंने हाँ यानी कि हम अपने घर के अंदर जो वर्ड सुनते थे हमारे जी. पेरेंट्स के हमारे फादर के और तायबा का तो नहीं कह सकता लेकिन फादर के वो कहते हैं यह अर्श पे लिखी हुई है आसमानों पर हम्म अर्श पे लिखी हुई है आसमानों पे बस वो इतनी बात करते थे अब मैंने कभी पूछा नहीं कि क्या है क्या नहीं है और मेरे लिए इतना ही काफी है क्योंकि मसला ये है कि ये मैंने इसके वो मुआवजात और वो करामत इस आयतों से देखी है इस पर्टिकुलर आयत से और किसी चीज की मैं बात नहीं कर रहा आयतों गलती करती आई वुड चेंज माई फ्रेज अगैन इस पर्टिकुलर आयत के मैंने ऐसे मुद्दा और करामत देखी है कि अगर मेरे वाले साहब कह रहे थे आई एम नॉट पुटिंग हिज कोर्ट इंटर डिस्प्यूट आई एम जस्ट री एंडोरसिंग इट कि अगर उन्होंने ये कहा था कि ये अर्श पे लिखी हुई थी तो आई वुड से कि टू थाउजेंड परसेंट ये अर्श ही पे लिखी हुई ये इसकी सलाहियत और इसकी क़ुत देख के यह अर्श पे डेफिनेटली लिखी गई होगी क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मुआवज़ देखे हैं इसके ऐसे ऐसे कराम देखे हैं और वो चीज ये कि मैंने दुनियावी एतबार से मैंने दुनियावी एतबार से देखा है और इसकी मैं एक और बात बता दूं कि ये आप भी अगर बोलो तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने भी देखा है जी यानी कि लोग पढ़ते हैं जब किसी मसले में आते हैं तो अजीब गरीब चीजें होती है बिल्कुल रूहानी तौर से यह आपका समझ लो कि पेपर प्लेन है पेपर प्लेन समझते हो जी पायलट बनने के लिए ना आदमी को पहले वो बचपन में पेपर प्लेन बनाता है पेपर से प्लेन बना के उड़ा रहा होता है ये पेपर प्लेन है मगर ये एक ऐसा पेपर प्लेन है जो बाद में पढ़ते पढ़ते वो पेपर को लोहा बना देता है और उड़ने लगते हो आप उसी लोहे में जो पेपर प्लेन आपने बनाया रखता रखा हुआ है इसके बारे में आपके बयान से मैं बयान ही नहीं कर सकता अगर इसकी कुवत बयान करनी हो तो आई नॉट क्योंकि मैं बेसिकली वही बात है कि मैं एक बात बता दूं कि हम आ, बैत जो है हम कुवत की करते हैं हमारे अब्बा वाला स्टाइल हम बैत जो है कुवत की करते हैं ये नहीं कि कितने लोग हैं और क्या कर सकता है नहीं सकते को तो क्या कहते हैं एक आमिल भी कुछ ना कुछ कर लेता है मगर हम बैत कुत की करते हैं कुवत का सकते से कोई ताल्लुक नहीं है सख्ता से मतलब वो उसकी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो सख्ता वहाँ पे आता है हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हम उसकी कुवत की बात करते हैं कि कुवत कितनी है उसकी और ये कुवत जो है ये रूहानी कुवत की बात कर रहा हूँ ये ये वाली नहीं है कि वो क्या कहते हैं बच्चे पैदा करा दो या ये कि शादी करवा दो या रिज की तंगी है वो नहीं हम क़वत की बात कर रहे हैं क़वत प्रवास से निकलती है

किसी को पता होता है कि कोई किसी का कत्ल कर देगा नहीं नहीं तो खत्म हो गई बात पता नहीं होता करने को नहीं है। करने का मसला नहीं है प्रैक्टिकल थिंग स्ट्रेंथ लेकिन आप अगर कुत का बयान ऐसे कर रहे हैं कि हम कुवत की बात करते हैं लेकिन कर सकने में और कुत में डिफरेंस है अगर जब तक कोई करके नहीं दिखाएगा पता कैसे लगेगा कुत का लाजमी तो नहीं है कि करके दिखाए जबान से बोल दे तो भी हो जाता है हम वहां पे बैठ करते हैं समझ में आया हाँ, हाँ, लाजमी नहीं है कि करके दिखाए ठीक है ना आप जबान से बोल दे तो हम वहां पे बैत करते हैं वही बात है कि जो दिलों के भेद जानता हो जो दिलों के अंदर झाँक सकता है तो वो बहुत सारी चीजें यानी कि यानी कि वो मेरे हिसाब से तो कुछ भी कर सकता है कुछ भी तो नहीं होता बट ये एक मेटाफोर में बात कर रहा हूं कि कुछ भी ये चीज है ये मामला है कि जिसको राज पता है जी कुत उसको कहते हैं जिसको राज पता हो कुत इसको नहीं कहते कि जी वो क्या कर सकता है कि वो क्या कहते हैं उसे कल्प जारी कर दे या ये कुत ये कुत के जाविये में ये चीज नहीं आती अगर अगर इसको और ज्यादा समझने के लिए मैं ये कहूँ कि एक्सेसिबिलिटी कितनी है उसकी हाँ रीच तो कितनी है मार कितनी है रूहानियत में कहा तक ले जा सकता है वो कहाँ तक ले जा सकता है वो हुँ. क्योंकि वो खुद जाता है तो वो आपको भी ले जा सकता है अब यह लगती है कि वो ना ले जाने मांगे तो दैट्स अ डिफरेंट होल डिफरेंट बॉल गेम बट वो चीज़ ये है कि कहाँ तक जाता है दिलों का हाल मालूम करने के लिए जो है समझ लो कि इससे ज़्यादा जो है कोई चीज़ बैठती नहीं है बाकी सारी चीज़ें आमिलों का काम है लोअर लेवल बी ग्रेड आमिल भी कर लेता है लोग बिग्रेड आमिल भी कर लेता है मगर जो दिलों वाली बात है ना जो आपके राज होते हैं जो आया कर दे इस दुनिया में आपके दिल के अंदर से झाँक के वो होती है बात अब उसको बोलते हैं कि जी वो इल्म है ये यूं है फला इल्म नहीं है इल्म इम का कोई वो नहीं है ये इल्म वाली बात नहीं है नहीं। जो राज आया कर सके आपके अंदर के राज क्योंकि आपके अंदर के राज जो है समझ लें उस जहां के राज है आपके दिल के सीने के अंदर है ना जी। ये चीज है ना राज आपके खोपड़ी में नहीं होते सीने में होते हैं जो आप छुपाते हैं वो राज अगर वो बता सके या बयान कर सके या दिल की बात कर सके वो होती है अब ये एक अलग सब्जेक्ट है टोटली फ्रॉम जी दिस सात सौ छियासी बिस्मिल पढ़ने के तरीकों पे आते हैं आप क्योंकि टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है फॉर्मेशन इसकी कुछ बताएं दुनियावी हवाले से पहले पहला ही फॉर्मेशन है इसकी फॉर्मेशन नंबर वन फजर की नमाज के बाद सिर्फ सात सौ छियासी बसमान फॉर्मेशन नंबर टू सात सौ छियासी दफा फजर की नमाज के बाद सात सौ छियासी दफा ईशा की नमाज के बाद रहीम ये फॉर्मेशन नंबर टू हो गई है फॉर्मेशन नंबर थ्री है सात सौ छियासी दफा रहीम पांचों नमाज के बाद पांचों नमाज के बाद सात सौ छियासी दफा बिस्मिल्लम रही और इसके अलावा अगर आप बिस्मिल्ल रमान नहीं पढ़ रहे तो किसी भी वक्त सात सौ छियासी दफा बिस्मिल्लम दिन में एक दफा दो दफा या पांच दफा पढ़ सकते हैं यह नमाजों से हट के सही ठीक है ना और इसके अलावा सात सौ छियासी बसमलम रिम अगर आप बिमिलीम एक हज़ार पढ़ रहे हो तीन हज़ार पढ़ रहे हो छः हज़ार पढ़ रहे हो चार हज़ार पढ़ रहे हो या बारह हज़ार पढ़ रहे हो सवा लाख नहीं सवा लाख के साथ नहीं जाएगा ये तो आप सात सौ छियासी दफ़ा बसमान रहिम किसी भी टाइम पढ़ सकते हो एज एक्स्ट्रा इबादत दैट्स लाइक एन एक्सटेंशन टू वॉट आर रीडिंग क्योंकि इसकी खूबियों में एक खूबी है जो मैंने पहले कहा था रजत नहीं होती जी आप या लतीफ़ों ऐसे नहीं पढ़ सकते जी अगर आप रियाज कर रहे हो या लतीफ़ों का भले वो एक हजार उनतीस दफा तो आप ये नहीं कर सकते कि दिल चाह तो या लतीफ़ों का बिस्मिल्लम आप अलग से कर सकते यह आप अलग से कर सकते हैं इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है भले वो ग्रुप वाले हैं या बाहर वाले हैं कोई भी कर सकता है और इससे कोई खतरा नहीं होता डर नहीं होता ना पुलिस ना फौज ना कुछ फौज आ जाए तो बहुत ही अच्छी चीज ले, है ले, लेकिन आप इबादत के तौर और, और रियाजत दोनों। 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 होगी तो रियाजत कबूल होगी ना जी अगर इबादत ही नहीं होगी तो फिर रियाजत क्यों होगी ठीक है ना और इस आयत की मैं खूबी बता दूं एक और हमारे अब्बा जो हैं सरदारों को पढ़वा देते थे ये पढ़ते थे इनकी एक मथारू साहब थे जी मेरे अब्बा कहते थे जितना इनका रियाज है उतना यहाँ किसी का करोड़ों में बिस्मिल्ला पढ़ी थी उन्होंने बिस्मिल्लामान रहीम उनका एक इलेक्ट्रिक का केस बन गया था चोरी का <laughs> बात है एट्टीज की नाइन्टीज की ठीक है ना चोरी के इलेक्ट्रिक का केस बन गया था तो हमारे अब्बा ने कहा था कि क्या कहते हैं उसे रूल्स तो थोड़े से बोला था कि पीना नहीं है और खाने पर पाबंदी करती थी गोश्त की बोला कि ये दो चीजें बंद करके रहमान रहीम के उनको सवा सवा लाख करवाए थे कुरान नहीं पढ़ सकते थे ना अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि रहमान रहीम उन्होंने क्या सोच के पढ़ी होगी इबादत तो की नहीं उन्होंने जी जबी तो मैंने कहा ना कि ये ये हर जगह चलती है इसका अजीब निज़ाम है और ये शुरू जमाने से ये वन ऑफ दिच हैज ऑलवेज बीन देर वरना इफेक्टिव नहीं होती और ये मिसाल है मथारू साहब का निकाल हो गया वरना उनको मैं लाई भी आता सही चीज ये है कि क्या कहते हैं मेरे अब्बा ने कहा कि के, के, के सामने सच कह दो कि हाँ मैंने किया था उन्होंने कहा मुझे जेल हो जाएगी इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि जाके सच कह दो कि मैंने किया था। जी। बस कह रहे हैं बाकी देख लेंगे क्या होगा कुछ भी नहीं हुआ फाइन हुआ थोड़ा सा बस दोबारा नहीं करना जज ने बोल दिया ये बिस्मिल्ला की करामत है ये है रही का।, रही। का, करामत कह लो ये अब अगर ये बोला जाए कि सरदार साहब ने यानी मथारू साहब ने, मैं मथारू अंकल कहता था छोटा था उनसे बहुत, उम्र रसीदा थे मथारू साहब ने बेसिकली अगर बिस्मिल्लाम रहीम इबादत के जाविये में की तो इसका मतलब वो कलमा पड़ चुके थे यस, लेकिन वो तो सरदार थे जी तो कलमा नहीं पढ़ा तो इसका मतलब इबादत के जाविये में नहीं उन्होंने नहीं। बोला है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जी ठीक है ना एंड दैट्स एज फार एज इट गोज दैट्स एज फार एज इट गोज कि बड़ा रहम मेहरबान और रिहायत रहम वाला है बेनिफिशियल एंड मर्सिफुल बस दैट्स एज फार एज इट गोज कि उन्होंने एक चीज को बस उसी को अडॉप्ट किया अकोमोडेट पढ़ा अकोमोडेट किया और पढ़ डाला उन्होंने सिर्फ रेसिटेशन की है जी सच शुरू में तो इबादत नहीं की बाद में पढ़ पढ़ के फिर वो इबादत भी करने लग गए थे उन्होंने फिर जिक्र भी शुरू कर दिया था अब्बा के साथ बैठ के अब्बा के लेफ्ट राइट पे बैठते थे या दो एक आदमी छोड़ के जिक्र भी करते थे ये ये है बिस्मिल्लाह की खूबी दिल पलट देती है भाई ये जी ये दिल पलटती है ये दिल पलटती है क्योंकि एक बात याद रखो कि जो कुछ करने की सलाहियत रखता है ना इफ is इज इम्पावर टू डू समथिंग ही इज द ओनली वन हैज टू बी रह दिल सही कह रहा हूं या गलत बिल्कुल अब आप में अगर कोई ताकत ही नहीं है हाथ में जी। तो आपको क्या फायदा रहमदिल होने का पहले ही ताकत नहीं है बिल्कुल है ना जी ये चीज है ये दिल नरम कर देती है आदमी का ये वही तो तयुल अर्थ में जो इस्तेमाल है वो इधर से उधर उधर से इधर क्या है ये जी फोल्डिंग ऑफ दर्थ आपका क्या ख्याल है जमीन फोल्ड होती है क्या फिजिकली नहीं ग्रेविटी लीव्स यू जी ग्रेविटी लीव्स यू और ये बिस्मिल्लाह से होती है क्योंकि ये हर चीज़ को नरम कर देती है हर चीज़ को सॉफ्ट कर देती है किसी चीज़ में सख्ती नहीं रहती बस्मिल्ला पढ़ने वाले को दिल में दर्द पैदा हो जाता है अगर बाकायदा पढ़ रहा है वो अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो तस्बीह को वो अब्बा वाली बात बेकार समझ के कर रहा है कि मैं तो खाली बिसमिल्ला कर रहा हूँ ये सोच लो कि ये खाली नहीं है यही सब कुछ है बस्मिल्ला और मैं यही करूँगा और फिर देखो क्या करती है बस्मिल्ला मियाँ बीवी सरी. के बीच में नाचा की हो बिस्मिल्ला पढ़े कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए कोर्ट कचहरी हो जाए पुलिस उठा के ले जाए पुलिस पकड़ ले या ये कि बच्चा जच्चा कोई भी प्रॉब्लम हो बिस्मिल्लाह बस्मिल्लामान रही आप नोटिस करो हमारे जी. अब्बा की पढ़ाइयों में हमारे पढ़ाइयों में बिस्मिल्ला लाजमी पढ़वाते हैं भले उन्नीस दफा ही क्यों ना हो जी और कोई चीज नहीं पढ़वाते लाजमी अगर इसम पढ़ेगा तो उन्नीस दफ़ा बिमिल्र रमान रहीम हर चीज़ में हर जगह बिस्मिल्ल रमान रहीम क्योंकि तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल आयत कोई नहीं है अब लोग बोलेंगे कि जी आयत करीम वो आयत करीम है अपनी जगह है नो डाउट अबाउट इट और ये बोलोगे पर... कि क्या कहते हैं मैंने पढ़ी है या नहीं मैंने आयत करीमे भी पढ़ी है हज़ब अल्लामील भी पढ़ी है सब चीज़ों को मैंने सवा सवा लाख अबा ने बहुत ज़माने पहले करा वो भी यंग जमाने में जब कोई कॉलेज और नौकरी थी सर्विस थी सरकारी सब 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 कुछ करवा दिया उन्होंने सारी चीजें करवा के बस कर करके कर, कर, मैं करके देख चुका हूं सारी चीजें और मैं एंड रिजल्ट मैंने देख लिया जो वजायफ हम देते हैं जी। होता है ना कि आजमा के देख लो ये आजमाई भी चीज है से। और आप अः की बात कर रहे थे आ, हर वजीफे में और हर जगह जो है वो बिस्मिल्ला लाजमी दी जाती है पढ़ने की बात तो बड़े शाजी की घड़ी उनकी चीजें देखे हर जगह उन्होंने पहले रहीम लिखने में भी हर जगह इनग्रेवर पर बिस्मिल्लामान रहीम ग्लास के ऊपर लिखते थे मसरूर भाई इस चीज़ के गवाह क्रिस्टल का ग्लास होता था उसके ऊपर बिस्मिल्लामान रहीम साइड पे घड़ी के ऊपर बिस्मिल्लामान रहीम जो चीज पे इनग्रेवर आ गया तो उन्होंने जो है अपने शौक बिसम्ल रहीम नया पेन जाहिद भाई लेकर आते थे शेफर का या पार्कर का क्विंकिंग के साथ सबसे पहले बिस्मिल्लम रहीम लिखते थे ऐसे तो नहीं कहते थे ना कि आसमानों पे अर्श पे लिखी हुई है कोई ना कोई वजह होगी ना उसकी जी कोई ना कोई वजह होगी कहीं पढ़ा होगा उन्होंने शवाहिद कि है ना ये अब अर्ज तो कोई जाने से रहा किसी ने लिखा होगा तो किसी ने शवायद दी होगी इस चीज के तो वो बत बयान करते थे कि बात गलत नहीं होती जी उनका प्रोसेस प्रूफ प्रूवन था प्रूवन था <laughs> उनका प्रोसेस प्रूवन था सही। तो ये, ये मामला है सात सौ छियासी का पांच फॉर्मेशन आपने बताई हैं इसकी आ, और किसी साथ भी साथ काम के लिए और... इस्तेमाल कर सकते हैं ये और भले कुछ, तो भले कुछ भी पढ़ रहे हो तो भी पढ़ सकते हैं ये भले कुछ भी पढ़ रहे हो तो भी पढ़ सकते हैं ये कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है अच्छा आप एक और काम के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आ, क्या करते हैं आप देते हैं भी और टेस्टेमोनीज के हवाले से भी जो है वो मैंने नोट किया है जितनी आती हैं कोई गुम हो जाए या कोई चला जाए तो उसको बुलाने के लिए भी जो है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही आप देते हैं दिल फेरता है ना दिल फेरता जी। है ये दिल फेरता है दिल नरम करता है खींच के अब इसको आमिलो वाली जबान खींच के काम में इस्तेमाल होती है <laughs> खींच के यह आमिलो वाली जबान में कि खींच के काम खींच वींच नहीं होती खींच के कुछ भी नहीं खींच सकते आपसे आप क्या कहते हैं इजार बंद नहीं खींच सकता एक तरफ से करोगे तो शलवार गिर कि मेरी बात बहुत कड़वी होती है बट <laughs> सच में अपनी खींच वींच नहीं होती ये दिल नरम करने के काम में की जाती है जब घर में कोई पढ़ेगा कोई आदमी गुम हो गया हो या भाग गया हो पढ़ेगा तो अगले का दिल नरम होता है वापस दिल चाहता है वापस आने का तो यह खींच का खींच का काम नहीं है बस ये दिल नरम करती है यह हर चीज़ को नरम कर देती है भाई हर चीज़ को सॉफ्ट स्पंजी बिल्कुल स्पंजी कर देती है आप सोच नहीं सकते सही अच्छा ये जितनी फॉर्मेशन हैं इसको एक चीज क्योंकि अब सवाल आता आएंगे तो उससे पहले मैं खुद ही पूछ लूं कि ये तमाम फॉर्मेशन कोई भी पढ़ सकता है एनी वन एनी वन सात सौ छियासी की जितनी फॉर्मेशन मैंने बताई हैं सात सौ छियासी की ये कोई भी पढ़ सकता है अगर वो सुबह पढ़ रहा है तो रात को मिला ले ठीक है हुँ. ना और मैं अजीब बात बता दूं कि ए, क्या कहते हैं हमारे YouTube चैनल ही पे इसी के नीचे लिंक अभी दी हुई है इन द डिस्क्रिप्शन वजायफ की एक लिस्ट है लिसनिंग की उसके अंदर अगर वो सुन ले की तो ये तो नहीं कह सकता वही अफेक्ट मगर इफेक्ट कम नहीं होता इफेक्ट कम नहीं होता अभी तक मतलब? मैंने देखा है अफेक्ट से मतलब यानी या कि मैं अभी क्योंकि ये अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ट्राई करते हुए लेकिन अभी तक जो रिजल्ट uh, सुनने वाले मुजम्मिल भी, भी और क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह भी जिसको दिए प्रोडक्टिव रहा है और मैं एक और बात बता दूं ये पढ़ने से ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है ओके। पढ़ने क्योंकि इसके अंदर गलती नहीं होती ना सुनना ही है एक आदमी बोल आपने है आपने हेडफोन लगाया सुनते रहे आपकी कोई वही नहीं आप अपनी सोचो में घूमोट बस वही वही बड़े शाजी वाली बात की पढ़ने के अलावा सुनने से भी जो है वो काम काम हो जाता है काम हो जाता है तो देखने से भी काम हो जाता है भाई ये चीज है ना जो रोजाना अलमारी के ऊपर कुरान देखते हो ना यानी रील में लिपटा वो खिलाफ में लिपटा रील के ऊपर रखा बंद उसको देखने से भी काम हो जाता है क्योंकि अगर देखने से काम नहीं हो रहा होता तो लोग पढ़ रहे होते उसको माजरत के साथ सरकाजम थी ठीक <laughs> है ना तलत भाई ठीक है ना आ, गा, गा, ये चीज है उठा के पढ़ भी लो नहीं लोग देखते तो बेहद भी ना हो जाए कि ऊपर अच्छी जगह रखा भाई ये चीज है सही तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन जो है पढ़ने के अलावा जो अपलोड हुई है वो सुनना चाहे तो सुन ऑडियो सुन भी सकते हैं। सुन भी सकते ठीक अच्छा शाह उसमें नेक्स्ट तादाद, नेक्स्ट में कितनी होगी एक हजार एक हजार वन वन थाउजेंड पहले वन थाउजेंड होगी फिर टू थाउजेंड होगी फिर थ्री थाउजेंड होगी फिर फोर थाउजेंड होगी नहीं फोर थाउजेंड का फोर थाउजेंड भी होगी फिर सिक्स थाउजेंड होगी फिर बारह हजार सवा लाख नो सवा लाख का नहीं होगा सही लेकिन चार हजार होगी चार हजार होगी चार हजार होगी ठीक चार हजार होगी ठीक जी मैं साथ साथ नोट भी कर लूँ तो फॉर्मेशन्स तो सारी बता दी हैं और बाकी टाइम भी हो गया है रैपअप का तो मेरे ख्याल से अब इस इसी पे रैपअप किया जाए कोई आखिरी बात आप कहना चाहें एक बात मैं बताता चलूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह का नक्श रखने नहीं मांगते ऑब्जेक्शन होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खाली पर्ची पे लिख के फ्रिज में डाल दो चिपका दो तो सामने यही है कि मैग्नेट के ऊपर अगर कहीं लिखवा सके या कोई मिल जाए फ्रिज के दरवाजे पे मैग्नेट से लगा दे लेकिन उससे बेअदबी का डर होता है क्योंकि पाक नापाकी में देखता है आदमी तो एक मसला बनता है अंदर लगा दे दूसरी चीज़ यह कि खाना बनाने से पहले पतीला उठाया आपने प्याज डालने से पहले यह तेल उन्नीस दफ़ा बिसमान रहीम पढ़ लो जी खाने में बरकत आ जाएगी एक और चीज़ जब पहली चमची निकालो सालन में से किसी को देने के लिए घर में या डिश में आउट करने के लिए उन्नीस दफ़ा बसमिल्लरमान रहीम पढ़ लो खाना ख़त्म नहीं होगा भले वो लाख आदमी आ जाए सही ठीक है ना ये यकीन वाली बात है आपके घर रिस्क कम नहीं होगा अगर दस आदमी आ गए तीन आदमी का पता है तीन आदमी का पका है दस आदमी आ गए और आपने उन्नीस दफ़ा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लामान पढ़ी तो उन तीन आदमियों में से दो के हाथ में डब्बे होंगे पिज्जे के रिस्क में वसत पैदा कर देता है आटे के अंदर जब आप आटा अपने बोरी से निकाल के थैले से निकाल के जब आप उसके अंदर डालते हो अपने डब्बे में या डब्बे के अंदर उन्नीस दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो और सबसे एफेक्टिव जो तरीका था जो मेरे वाले साहब करते थे बाहर निकलने से पहले उन्नीस दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम घर में आते वक्त कुछ नहीं बाहर निकलने से घर में, में आते हुए कुछ नहीं कुछ भी नहीं नथिंग घर के अंदर क्या डर यार अपने घर में डर लगेगा तो फिर नहीं जो है वो सलाम करते सलाम करते थे मैंने एक से पूछ लिया मैं कह भाई आप सलाम करते किसे है? नहीं वो खाली घर है तो उसमें मैं, मैं कह खाली घर से जिस दिन आवाज आ गई ना वालेकुम की फिर भागोगे फिर, फिर आमिलों के पास भागोगे जेब गर्म करवाओगे आमिल की द थिंग इज दैट के सबसे इफेक्टिव तरीका खाने से पहले बा आवाज बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पड़ी जाए घर में खाने की बरकत रिज़्क़ की लाइन लग जाती है आप सोच नहीं सकते फ्रूट्स आने लगेंगे फूल आने लगेंगे सिर्फ जब भी खाना खाने बैठो तो थोड़ी सी आवाज हो ये ना हो ग ये नहीं बिस्मान बिस्मान थोड़ी सी आवाज देख लेकिन कोई याद रखो कुरान साउंड में नाजिल हुआ था कल्प के ऊपर नाजिल हुआ था मगर साउंड थी उसके अंदर जी कल्प पे नाजिल हुआ था मगर साउंड थी वो जो नाजिल हुई थी जो फॉर्मेशन थी जो बेसिकली मीडियम था दैट वाज साउंड सो यू हैव टू मेक इट इफेक्टिव बाय साउंड यू कैन मेक इट अफेक्टिव लाइक दिस में पढ़ने से नहीं होगा अगर इसको अफेक्टिव करना है थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी आवाज थोड़ी सरी. सी आवाज़ तो ये अफेक्टिव होगा फिर आप देखना आपको फिर ये हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी पुरे दिस जी सही तो ये हो गया तो बाकी रैप अप करें जैसे बॉस मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सही तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर एक हजार जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तादाद है उसके साथ हम आएंगे इसी तरह बिस्मिल्लाह के बारे में अगर कोई सवाल या फीडबैक या कुछ भी आप पूछना चाहें वज़ायब से रिलेटेड नहीं वो शाह साहब ने बता दिया और लीव इट इन द कमेंट्स उसके अलावा जो कुछ है वो कमेंट्स में जो है कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं वरना कमेंट्स में भी कर सकते हैं तो वो सवाल जो है नेक्स्ट टाइम जब दोबारा एट्रीब्यूट होगा तो उसमें मैं पूछ लूंगा शाह उस पर भी बात कर लेंगे तो बाकी ये है कि मेरी तरफ से आ, अच्छा एक और बात बता दूं बहुत सारे लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त पूछते हैं कि जी हम ये पढ़ लें वो पढ़ लेंगे कलमा पढ़ लें कुछ भी कर लो पढ़ के जाओ ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कि कोई खास जैसे कि मैं टीका लगवाने गया था खैर मेरा तो स्टाइल और था मैंने तो बारह हजार किया था ठीक है और जब वो मार रही थी तो मैंने उसको कहा मैंने कहा यार तू मेरी तरफ तो मत देख उधर देख और टीके की तरफ देख मुझे मेरी शक्ल को मत देख मुझे तो बड़ा बड़ा टीके भी मुझे बड़ा डर लगता है तो वो जो है जब ये वैक्सीन का चक्कर हुआ था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैंने कहा उधर देख मुझ मेरी शक्ल की तरफ मत देख इधर देख मैंने कहा मुझे मत देख मैंने तो देखा भी नहीं मेरे मुंह ऐसे फेंक लिया था तो वो तो अच्छी थी मेरे ख्याल से कर्नाटका की थी है सी माशाल्लाह से वजनदार तो बिस्मल तो पढ़ी थी और मैं यहाँ से बारह हजार अलग से पढ़ के गया था जो इन से बड़ा डर लगता है भाई से, अच्छा आ, 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 साथ साथ फिर आ, उस आ, ये भी बता दें एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सा, एग्जामिनेशन सात सौ छियासी बिस्मिल्लामान ने किसी भी काम में पेपर आता है सामने रख के हम भी ये करते थे जब हमने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया पेपर आया रहीम मैंने उन्नीस दफा पढ़ा फिर उसके बाद पेपर हटाया उठाया इन्वेजिलेटर बाहर चला गया एम क्यू एम का दौर था तो उसके बाद फिर फर्रे आने लग गए किताबें आने लग गई <laughs> किताबें साइड में रख के <laughs> फिर फर्स्ट क्लास भाई <laughs> दौर है सतरा क्या करूँ ठीक है ना जो दौर था तो बता दिया उसमें भी मदद हुई है उसमें भी मदद हुई है कि किताबों से देने के बावजूद जो है बहुत सारे लोग फेल हो गए थे एग्जाम्स में क्योंकि इन्वेजिलेटर को पता था किसने पढ़ के थी पता चल जाता है इन नहीं जो कॉपी चेकर होता है ना उसको पता चल जाता है क्योंकि हमारे एक जानने वाले थे उनके घर कॉपीज आती थी चेक होने को वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे तो यूनिवर्सिटी आउटसोर्स करती है ना कॉपीज तो वो कहते थे कि जो जो पता चल जाता है जो पुराने खापड़ होते हैं उनको पता होता है कि किस किताब से उसने कॉपी पेस्ट किया है राइटिंग में कह रहे उनको अब फेल कर देते थे वरना ये सोचो पूरा पूरा कराची जो है वो सब ने चीटिंग की है और सारे पास होने चाहिए फिर ये चीज है ना एक हमारे दोस्त थे वो उन्होंने इंटर का एग्जाम दिया था अब बात हो रही है तो बता दूं उसने बेसिकली हाथ पे प्लास्टर लगा लिया था और वो पी लेके गया था हर सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स था तो उसका पी एच डी लड़का था अल्लाह लवली गाय और वो जो है क्या कहते हैं उनसे जो सब्जेक्ट था लेकिन उस बेचारे का भी सी ग्रेड आया था ठीक सोचते उसको तो टॉपर होना चाहिए था ना क्योंकि वो राइटर लेके गया था ना हाथ में जो प्लास्टर था तो राइटर अलाउड था तो बस ये चीज है लेकिन बिस्मिल्ला की जान तक बात है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती आदमी का जहन रोशन होता है जब कंप्यूटर खोले क्या कहते हैं उसे किताबों के लिए पढ़ने के लिए आजकल तो ऑनलाइन होता है सब कुछ तो बिस्मिल्ला उन्नीस दफा पढ़े दिमाग रोशन जब प्ले स्टेशन खोले गेम ऑनलाइन जाने के लिए टू विन बसमिल्लामानीम नाइनटीन टाइम्स आदत डाल लो बच्चों को बसमान रहीम पढ़ने की पहले हर वक्त करने की नहीं हर वक्त को तो मैं मानता ही नहीं इस फार्मूले को मेरे समझ में नहीं आता बट ये कि नाइनटीन टाइम्स की हर वक्त आदत होनी चाहिए कि वो जो काम शुरू करे कि पढ़ ले एक दफ़ा पढ़े या अगर बड़ा है तो उन्नीस दफ़ा पढ़ ले बच्चा एक दफ़ा पढ़ ले तो भी काफ़ी है मासूमियत होती है ना जबान में ताकत ज़्यादा होती है ठीक गुड गुड ये भी डन डन हो गया done. तो ठीक है फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय इन नेक्स्ट टाइम एट्रीब्यूट्स में एक हजार पे बात होगी और जो जो आप लोगों के सवाल हैं वो इस्लामिक सूफी वजायफ फेसबुक क्लोज ग्रुप और या फिर इसमें एट्रीब्यूट्स के कमेंट्स में जो है वो डाल दें तो नेक्स्ट टाइम और लेकिन सवालात सारे बिस्मिल्लाह से रिलेटेड ही हों क्योंकि अभी एट्रीब्यूट में बिस्मिल्लाह के बारे में बात हो रही है उसी के बारे में सवालत लिए जाएंगे वो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो शाह साहब से पूछेंगे तो तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ टेक केयर और बाय बाय